जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। वाकई दोस्तों, ये देश औरतों, बच्चों और माइनॉरिटीज के रहने लायक नहीं है। मैं आज आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके लिए मैं बाकायदा आपके सामने कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस पेश करने वाला हूं जो पिछले 2 या 3 दिनों में सामने उभर कर आई हैं। सबसे पहले गौर कीजिए, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जो कि झाबुआ विधानसभा सीट में आती है और रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट में आती है, उसका यह वीडियो। इस लड़की का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने दूसरी जाति के लड़के से शादी की। अब देखिए, इसी के गांव के लड़के इसे अधनंगा करके भगा रहे हैं। ये पूरा वीडियो मैं चाहूंगा आप देखें और फिर मैं उस पर विवेचना करना चाहूंगा। देखा आपने किस बेरहमी से उस लड़की को मारा जा रहा है, उसे बचाने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। और ये हो रहा है कमलनाथ के मध्य प्रदेश में। दोस्तों, ये रूह कपाने वाला वीडियो है और मैंने उम्मीद की थी कि इस वीडियो के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो जोरदार हमला बोले। मैं आपको ले चलना चाहूंगा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के टाइमलाइन पर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने अलीराजपुर की इस घटना पर क्या कहा है। वो कहते हैं कि अलीराजपुर में दूसरी जाति के युवक से प्रेम करने पर बेटी की सरेआम निर्दयता पूर्वक पिटाई का वीडियो देखकर मन कराह उठा। समाज के स्वघोषित ठेकेदार कब तक बेटियों के साथ अन्याय करेंगे और हम कब तक मूक दर्शक बनकर देखते रहेंगे। समाज जागृत हो और बेटियों को सम्मान मिले। यकीनन दोस्तों, बहुत खूबसूरत बात की है यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। उनकी एक एक बात से मैं सहमत हूं, मगर आपने एक बात पर गौर किया, इस पूरे ट्वीट में, इस पूरे बयान पर उन्होंने कहीं पर भी कमलनाथ सरकार की आलोचना नहीं की। क्योंकि इस वक्त जो कांग्रेस के अंदर घमासान चल रहा है, जिसमें दिग्विजय सिंह जो है पार्टी की जड़ें काटने में लगे हुए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया वापस वार कर रहे हैं, उसको लेकर तो शिवराज सिंह चौहान खुलेआम टिप्पणी कर रहे हैं, मगर इस मुद्दे पर वो कमलनाथ सरकार को नहीं घेर रहे हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, क्यों वो लड़की आज अकेली खड़ी हुई है जिसे इस तरह से बेइज्जत किया गया, रुस्वा किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी जाति के बाहर के लड़के से शादी करने की हिमाकत की। वो इसलिए दोस्तों कि अलीराजपुर गांव जिस विधानसभा सीट में आता है, झाबुआ विधानसभा सीट, वहां का जो विधायक है वो जब 2019 के चुनाव हुए थे तब उसने चुनाव लड़ा था रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट से, वो जीत गया। आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में झाबुआ विधानसभा सीट में चुनाव होना है, इसलिए इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। कांग्रेस ने खानापूर्ति के लिए कुछ गिरफ्तारियां करवा दी हैं, मगर कमलनाथ की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई। कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने इस पर तल्ख तेवर नहीं आए, यहां तक कि विपक्ष भी, शिवराज सिंह चौहान भी, वो जानते हैं क्योंकि सिटिंग विधायक उनके अपने पार्टी के नेता हैं, लिहाजा वो भी इस पर एक किस्म की खामोशी अख्तियार कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं उनकी टिप्पणी का स्वागत कर रहा हूं, बहुत ही संवेदनशील टिप्पणी है, उन्हें मामा कहा जाता है, उन्होंने मामा का फर्ज निभाया है, मगर कमलनाथ सरकार की आलोचना क्यों नहीं की। वो लड़की आज अकेली इसलिए खड़ी हुई है दोस्तों क्योंकि वहां पर अभी कुछ ही दिनों में चुनाव होने हैं, झाबुआ विधानसभा में चुनाव होने, लिहाजा ना कांग्रेस ना बीजेपी इस पर तल्ख तेवर अपना रही है। सच तो यह दोस्तों कि इंसानियत मर चुकी है, सच तो यह कि इस तरह की तस्वीरें देश को शर्मिंदा कर रही हैं और देश को बदनाम कर रही हैं। और इस मामले में खलनायक मैं नहीं जो ये तस्वीर आपके सामने ला रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि इस मुद्दे को लेकर वहां के किसी स्थानीय पत्रकार को जानकारी नहीं थी? क्यों? क्योंकि हो सकता है कि फरमान आया हो कमलनाथ जी की तरफ से कि इस मुद्दे को नहीं उठाना है,
और चूंकि बीजेपी इस मुद्दे में दिलचस्पी नहीं ले रही है, तो जाहिर सी बात है क्यों इस मुद्दे को उठाया जाए। तो ना बीजेपी इस मुद्दे को दिलचस्पी से ले रही है, ना कांग्रेस और ना पत्रकार। वो लड़की आज अकेली खड़ी हुई है। दोस्तों, ये हालत तो थी एक युवती की, एक लड़की की जो अकेली खड़ी हुई है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिर्जापुर में क्या हुआ। आपको याद है पवन जायसवाल, वो पत्रकार जो आपके सामने वो खबर लेकर आया था कि किस तरह से एक गांव है, सेवर गांव है, उसके अंदर बच्चों को नमक रोटी खिलाई जा रही थी। योगी सरकार ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी। क्यों? क्योंकि DM साहब का कहना था कि भाई ये प्रिंट मीडिया का पत्रकार है, ये वीडियो से क्यों इस चीज को फिल्मा रहा था। पत्रकार तो अपना काम कर रहा था, मगर सरकार ने क्या किया, उसने उसी पत्रकार के खिलाफ FIR कर दिया जो कि आपके सामने व्यथा ला रहा था बच्चों की। अब क्या हुआ है दोस्तों, मैं आपके सामने दो वीडियोस लाना चाहूंगा। सबसे पहले सुनिए वो कुक, वो खनसामा, वो जो औरत जिसने खाना बनाया था, वो खुद किस तरह से पवन जायसवाल के पक्ष में खड़ी हुई है और प्रशासन पर उंगली उठा रही है। सुनिए उसकी बात। जी ये बताइए कि उस दिन जो नमक रोटी खिलाया गया था, ये सही मानते हैं गलत था? एकदम सही है, हम खिलाला दूध मीठे दाई है जा। हाँ। ममता रुकमणी देवी, हम लोग बनाना, हम लोग खियाना जोह जो 10 बजे। फिर हाँ 10 बजे तब यही ना, तब वो फोटो खींचना, वो खाना हम खिया बजे मुरारी सर जी ठाड़ में आप पे नहीं रोको थे, रोक के ना चाहता ना ही रोक ला, हम खिया। अच्छा, तो पत्रकार की गलती है इसमें? नहीं, कोई गलती नहीं, नहीं कोई गलती नहीं, मुरारी सर का गलती है। तू देवर तब तो हम बनाई, देवर तब तो हम बनाई कहाँ से। तो इससे पहले भी ऐसे ही स्थिति थी कि एक बार नमक या चावल खिया था, फिर नौकरी अंदर नमक और रोटी दूध में कोताही। सामान आपको नहीं मिलता था समय पे? एकदम कोताही रहा, कोताही, लेकिन उनका दूध में, केला में, हर किस्म में कोताही। यही नहीं दोस्तों, जो अभिभावक हैं उनमें से एक बच्चे की मां, वो भी पवन जायसवाल की बेगुनाही की दास्तान गवाही दे रही है। सुनिए। क्या नाम है आपका? बेचने देवी। बताइए सिउर विद्यालय में आपका कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है? संजना नेहा। क्या है आपकी लड़की? तो यहाँ की जो व्यवस्था है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? कितना संतुष्ट मैं कहिए का कहात 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 का सुनता नहीं बना सब लोग, तो का कहाई खात बात कहूँ, कहात बा मास्टर के कहात बात कहूँ कि हमसे बोला मत नहीं तो हमसे बेकार कोई नहीं है, जन करते बनो कर ला। किस चीज़ का आप लोग विरोध करती थी? यह नमक रोटी का और आऊ का नमक भात खेवना। तो ये इससे पहले भी क्या ऐसी चीजें होती रही हैं? अब रोज रोज तो सर जी स्कूल पर देखा नहीं आवत बाद में, बच्चा कहत बाना तो जाके आदमी देखत बा। बच्चे क्या कह रहे थे आपसे? कहत रहना कि नीमक भात देत हूँ, कहियो केरा लिया हूँ तो केरा नहीं देत, कहियो दूध लेत हूँ 2 लीटर तो मैं पानी डाल देत हूँ और आशीष गर्म कर करके देत हूँ, 2 लीटर दूध में तनी तनी बच्चन के देत हूँ। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने नहीं की किसी से? प्रधान जी से कहा तो प्रधान जी बेचारू दूध बाना तो उनके क्या कहे, देखा लोगों समझावा जा समझावा समझावती थक गल आदमी। तो ये बताइए कि मतलब बच्चा आए दिन ये शिकायत करते थे कि उनको कभी नमक रोटी मिल रहा है क्या? नमक रोटी भात नमक चलल तब ना स्कूल में गरी जा देखा तो एक कुछो रहबे नहीं कल, ना नमक बा ना तेल बा ना आलू बा ना प्याज बा, तो करबारी का करिए। अब आप बताइए आखिर योगी सरकार ने क्यों FIR दर्ज किया पवन जायसवाल के खिलाफ? क्या आपके अंदर रत्ती भर भी इंसानियत नहीं है? क्या आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती? यहां पर तो कुक से लेकर पत्रकार से लेकर उन बच्चों की मां तक गवाही दे रही है कि किन हालात में वो बच्चे जी रहे थे, मगर यहां पर प्रशासन का बेशर्मी भरा रवैया, उनका रवैया जिसमें तनिक इंसानियत नहीं है, रत्ती भर भी इंसानियत नहीं है, वो सामने उभर कर आ रहा है। और मिर्जापुर लगातार हमें शर्मिंदा कर रहा है, ये कहा जाए प्रशासन हमें शर्मिंदा कर रहा है, क्योंकि मिर्जापुर की एक और तस्वीर सामने उभर कर आई है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से मिर्जापुर के एक पत्रकार कृष्ण कुमार सिंह की बेरहमी से पिटाई हो रही है। यहां पर आप देख सकते हैं पुलिस किस तरह से नतमस्तक है उस भीड़ के सामने।
कितनी कमजोर दिखाई दे रही है। ये तो शुक्र है कृष्ण कुमार सिंह बच गए। ये गए थे एक एक खबर कवर करने। जब वो वीडियो ले रहे थे तब भीड़ ने उन पर हमला कर दिया और किसी तरह से कृष्ण कुमार सिंह बाल बाल बचे। ये उसी मिर्जापुर में हुआ है जहां पर बच्चों को नमक रोटी और नमक चावल खिलाया जा रहा था, जहां पर एक पत्रकार ने जब इस हकीकत को आंख के सामने लेकर आया तो उसके खिलाफ ही FIR दर्ज कर दी गई। अब यहां पर देखिए पुलिस किस तरह से बेबस दिखाई दे रही है। लॉ एंड ऑर्डर कहां जा रहा है बताइए? आखिर उत्तर प्रदेश बार बार देश को शर्मसार क्यों कर रहा है और इन तस्वीरों को लेकर मुख्यधारा की मीडिया खामोश क्यों है? क्या ये मुद्दे उठाए नहीं जाने चाहिए? बताइए। बोल के लब आजाद है मैं तेरे में आज। मैं आपको बता रहा हूं कि ये देश ना महिलाओं के लिए, ना बच्चों के लिए, ना माइनॉरिटीज के लिए रहने लायक नहीं है। मैं आपको महिला की मिसाल दे चुका हूं, बच्चों की मिसाल दे चुका हूं, मैं आपको पत्रकारों की मिसाल दे चुका हूं, अब मैं आपके सामने ला रहा हूं माइनॉरिटीज की मिसाल। इस वक्त आपके स्क्रीन पर है मोहम्मद कैसर की तस्वीर, 43 साल का मोहम्मद कैसर। क्या आप जानते हैं मोहम्मद कैसर और चार अन्य लोग एक गाड़ी में बैठकर गया से माहिर गांव जा रहे थे? जी हां, और इनमें से एक 8 साल का बच्चा भी शामिल था। ये चार लोग कौन थे? वलीउर रहमान, 35 साल के वलीउर रहमान, मोहम्मद कैसर 43 साल के, लियाकत अली 24 साल का, मोहम्मद अयान 8 साल का और अबू शी 27 साल का। अब यह तस्वीर देखिए, इसमें आपको लियाकत अली दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में फ्रैक्चर है, और लियाकत अली के साथ में वलीउर रहमान की मां आयशा रहमान बैठी हुई है। वलीउर रहमान को गंभीर चोटें आई हैं और उसकी हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। जानते क्यों? क्योंकि एक गया से माहिर विलेज जा रहे थे एक पार्टी को अटेंड करने, लिट्टी चोखा पार्टी अटेंड करने। मगर जब ये माहिर पहुंचे तब अचानक भीड़ ने इन पर हमला बोल दिया। और हमला क्यों बोला? इस अफवाह के चलते कि ये लोग बच्चों को चोरी करने आए थे। ये किसी तरह से भागे मगर फिर इनकी कार टकरा जाती है एक पेड़ से। भीड़ इनको एक एक करके बाहर निकालती है और बुरी तरह से मारना शुरू करती है। किसी तरह से स्थानीय मुसलमान आते हैं, उनको बचाकर ले जाते हैं। मगर जानते हैं कि भीड़ ने उन्हें क्यों मारना शुरू किया सही मायने में? क्योंकि जब उन्हें पता चला ये मुसलमान हैं और भीड़ में से किसी ने चिल्लाया कि ये मार, क्योंकि भीड़ में से किसी ने चिल्लाया मार मियावा है, कि मार मुसलमान है। इस तरह की तस्वीरें कितनी सामने उभर कर आ रही हैं दोस्तों। अभी एक और तस्वीर थी, एक साहिल सिंह को मौत के घाट उतार दिया था। वो मॉब लिंचिंग नहीं थी, स्पष्ट कर दूं मैं, मॉब लिंचिंग नहीं थी, मगर भीड़ में से किसी ने कहा कि ये मुसलमान थे और साहिल, दरअसल साहिल सिंह थे, उन्हें भीड़ ने उनका नाम साहिल सुनकर उन्हें मुसलमान समझ के मार दिया। अब ये खबर देखिए, राजस्थान के नीमराना की है, दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर भी यह जगह नहीं है। एक कश्मीरी विद्यार्थियों की भीड़ ने पिटाई कर दी और फिर हम कहते हैं कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। अरे पहले कश्मीरियों को अपना अभिन्न अंग मानिए, उसके बाद कश्मीर की बात कीजिए। ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों कि यह देश कैसे हो सकता है औरतों के रहने लायक, बच्चों के रहने लायक और माइनॉरिटीज के रहने लायक? क्या यह सवाल उतने लाजमी नहीं है? क्या मेरे सवाल बेमानी है? तो दोस्तों एक तरह से कहा जा सकता है कि ये देश ना महिलाओं के लिए, ना बच्चों के लिए, ना उसके माइनॉरिटीज के लिए रहने लायक रहा है। मैं आपके सामने राजस्थान की खबर पेश करना चाहूंगा और यहां पर कोई और नहीं, सरकार नहीं, मीडिया नहीं, बल्कि राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है कि लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ जल्द एक कानून लाया जाना चाहिए। मतलब यानी कि लड़का और लड़की अगर बगैर शादी के एक साथ रह रहे हों तो इसके खिलाफ कानून लाना चाहिए, और लड़कियों को, ये जुबान किसी और की नहीं बल्कि जजेस की है, लड़कियों को इन्होंने कॉन्क्यूबाइन का दर्जा दिया है। यानी कि एक लिव इन रिलेशनशिप के अंदर भी दोष जो है वो लड़की का है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान स्टेट हाई कमीशन ने, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा क्या है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर कहती है
The Rajasthan State Human Rights Commission SHRC on Wednesday equated the life of a woman in a live-in relationship with a concubine, while asking the state government to bring in a law against live-in relationships. The order by SHRC Chairperson Prakash Chandra Tatiya and former Chief Justice of Jharkhand High Court and SHRC member Mahesh Chandra Sharma, a former Rajasthan High Court judge, said that right to life in Article 21 of Indian Constitution translates into an honorable life, not an animal-like life. यानी कि अगर एक औरत एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है बगैर शादी के, तो उसकी जानवर जैसी जिंदगी है। यानी कि यहां पर भी दोष औरत का है। यहां पर मर्द पर कोई टिप्पणी नहीं की माननीय जजों ने। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इनमें से दो जजेस का नाम लिया जा रहा है। पहला है प्रकाश सिंह तातिया और दूसरा है महेश चंद्र शर्मा। आप जानते हैं महेश चंद्र शर्मा कौन है? इस खबर पर गौर कीजिए। महेश चंद्र शर्मा वो जज हैं जिन्होंने कहा था कि जो मोर होते हैं ना, मोर, उनके बच्चे सेक्स करने से नहीं होते, उनके बच्चे होते हैं आंसुओं से। तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक है महेश चंद्र शर्मा, जिन्होंने वो वाहियात बयान दिया था कि पीकॉक जो है वो सेक्स नहीं करता और उनके बच्चे जो होते हैं वो उनके आंसुओं के बहने से होते हैं। अब ये लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ कानून की लाने की बात कर रहे हैं, यानी कि व्यक्तिगत आजादी पर हमला, नंबर एक। नंबर दो, औरत के लिए उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया कॉन्क्यूबाइन, रखैल। यहां पर भी राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसका फर्ज था मानवाधिकारों के बारे में सही मायनों में बात रखना, उन्होंने भी इस तरह की शर्मनाक टिप्पणी की है। ऐसे में आप बताइए, मैं क्यों ना कहूं कि यह देश महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और माइनॉरिटीज के लिए रहने लायक है? मैं किस बुनियाद पर इसे मानूं? खैर, आप में से कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप अपने कार्यक्रमों में निराशावादी बातें क्यों करते हैं। आज जो मुद्दे मैंने आपके सामने रखे हैं, आप मुझे बताइए, ऐसे में इंसान आशावादी कैसे हो सकता है? खैर, बोल के लब आजाद है मैं तेरे में, इसी तरह हम आपके सामने मुद्दे लाते रहेंगे। आप सबसे मेरी अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।